दोस्तों, जॉब के नाम पर कितना धोखाधड़ी होता है, कितना फ्रॉड्स होते हैं, आपको पता ही होगा। मैंने कई बार मेरा खुद के वीडियो में कहा है कि मैंने आज 5 ऑफर लेटर चेक किया है, कभी 2 वीजा चेक किया है, कभी 10 ऑफर लेटर चेक किया है, कभी एक दो, तो हर दिन आता ही आता है। इतना फ्रॉड्स होते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। और एक बात है कि जब भी हमारे जहन में वर्क परमिट का नाम आता है कि हमें कनाडा में जॉब मिल गया है, हमारे पास वर्क परमिट आ चुका है, ये जब नाम सुनते हैं दोस्तों, तो हमारे मन में जो खुशियाँ होते हैं फूले नहीं समाता। होता है कि नहीं होता आपके साथ भी? कभी ना कभी हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा, फिर भी आपके मन में ये तो चल रहा होगा कि काश मुझे कनाडा का वर्क परमिट मिल जाए, काश मुझे कनाडा में जॉब मिल जाए, मैं जाके वहाँ पर सेटल हो जाऊँ। होता है कि नहीं होता है? तो घबराइए मत, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे कनाडा का जॉब ऑफर ले सकते हैं और क्या प्रोसेस होता है, और आप भी इस फ्रॉड से बच सकते हैं। क्योंकि कनाडा का जो प्रोसेस है दोस्तों, वो लाखों रुपया खर्च होते हैं। अगर आप बात करें कई स्टेट में हमारे इंडिया के, ठीक है, तो कहीं पर 10 लाख, कहीं पर 15 लाख, कहीं पर 20 लाख, कहीं पर 25 लाख भी चार्ज होता है कनाडा का। और गलती से अगर आपका वीजा फेक निकल जाता है तो आपका लाखों रुपया का फ्रॉड हो सकता है, यानी कि पैसा डूब सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको पूरी प्रोसेस जानना जरूरी है। जब तक आपको प्रोसेस पता नहीं होगा दोस्तों, डेफिनेटली आपको लोग वेब को बनाते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को पूरा देखें, आधा ना देखें। आधा देखेंगे तो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरियस, ठीक है। अगर आप आधा देखते हैं भैया, आधा नॉलेज आएगा तो डेफिनेटली ये आपके लिए हानिकारक होता है। तो पूरा वीडियो देखें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्या ग्लोबल करियर प्लान यूट्यूब चैनल। अगर पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि मैं हर दिन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। शुरू करते हैं। जैसे ही सोशल मीडिया में कोई वैकेंसीज आती है कनाडा को लेकर के, लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और तुरंत ही बिना सोचे समझे, बिना प्रोसेस जाने अप्लाई करना चालू कर देते हैं। इसमें दो तरह का एप्लीकेशन होता है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है और एक कंसल्टेंट के थ्रू होता है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया तब भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, और अगर आपने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया तब भी आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई किया, आपको पता नहीं है कि कहाँ अप्लाई कर रहे हैं आप, और कोई भी आपका प्रोफाइल लेकर के आपको बेवकूफ बना सकता है कि आपका प्रोफाइल हमें ऑनलाइन मिला है और आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया है, आप कनाडा के लिए आ सकते हैं, और इस तरह का आपको मतलब झांसा देके आपसे पैसा ले सकते हैं। दूसरा क्या है, जैसे ही आप किसी एजेंसी के पास अप्लाई करते हैं, आपको वो अपना टर्म्स एंड कंडीशन बता देते हैं कि इतना इतना रुपया आपको इतने दिन में देना है, ठीक है। फिर आप पैसा पे करने लग जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद आपको ऑफर लेटर दे देते हैं, ठीक है। अब उस ऑफर लेटर आपको पता ही नहीं होता कि रियल है या फेक है, क्योंकि ऑफर लेटर कोई बना के दे सकता है। दूसरा, वर्क परमिट आपको थमा देते हैं और कहते हैं कि आपका वर्क परमिट आ गया है, अब आप जाके VFS में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब VFS सबमिट करते हैं, जब वो रिजेक्शंस में आता है या रिजेक्ट में आता है, तो आपको समझ में आता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है या फिर रियल भी हो सकता है। तो वो बात आपको जानना है, कैसे जाने मैं बताता हूँ। देखिए, कभी भी जब आपको वर्क परमिट मिलता है उसके लिए आपको लीमिया के थ्रू जाना पड़ता है, अगर आप कनाडा अप्लाई करते हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि लीमिया क्या होता है। लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये एक असेसमेंट होता है जो कनाडा गवर्नमेंट कराती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई वहाँ पर कौन सा सेक्टर में कितना लेबर की ज़रूरत है, और जो लेबर की ज़रूरत है वो वहाँ पर कनाडा में अभी फिलहाल अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कौन सा देश से कितना लेबर मतलब लाना है, ये वो लीमिया के थ्रू पता चलता है, ठीक है। और ये लीमिया कैसे मिलेगा, अगर किसी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज चाहिए बाहर देश से, जैसे इंडिया से चाहिए, पाकिस्तान से चाहिए, किसी भी देश से चाहिए, तो वो लीमिया के थ्रू ही आपको वो लेके जा सकते हैं। अब वो लेके जाएं कैसे, लीमिया कैसे मिलेगा, तो लीमिया लेने के लिए कनाडा में एक एजेंसी है दोस्तों, ESDC नामक एक एजेंसी है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट कनाडा के नाम से एक एजेंसी है। जो एजेंसी ये देखता है कि जो कंपनी ने अप्लाई करना है, मतलब कोई कंपनी है, वो कंपनी ESDC के तहत अप्लाई करेगा और कहेगा कि भाई मुझे इतना स्टाफ की ज़रूरत है और मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब ESDC का काम क्या है, उसको वेरीफाई करना कि जो जो कंपनी हमको ये पूछ रही है कि हमें विदेश से लोग लाना है, एम्प्लॉयज़ लाना है, तो वो देखता है कि जो कंपनी हमसे पूछ रहा है क्या वो हमारे कनाडा में ही
जो लोग अभी अवेलेबल हैं काम करने के लिए, इनसे एप्लीकेशन लिया गया है? अगर लिया गया है तो कितना लिया गया है? अगर कितना लिया गया है उसमें देखेंगे कि उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, जो स्किल्स हैं, वो मैचिंग करता है कि नहीं करता है, ये तमाम चीज़ दोस्तों वो लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं कि भाई ये लोग जो हैं कहीं सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज दिए थे कि नहीं दिए थे, ठीक है, किसी न्यूज़ के तहत इन्हें बताए थे कि नहीं बताए थे, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता है। तो ये सारे चीज़ों को ये वेरीफाई करते हैं। जब वेरीफाई करते हैं, जब उनको पता चलता है कि इन्होंने सारे कसर कर चुके हैं, ठीक है, अपने कोई कसर नहीं छोड़ा है, सारे काम कर चुके हैं, तब भी इनको लोकल यानी कनाडा में लोग अवेलेबल नहीं हैं इनका जो भी रिक्वायरमेंट जॉब्स के लिए, तो क्या करते हैं उनको तभी जाके लीमिया का अप्रूवल दिया जाता है दोस्तों। और फिर उस लीमिया के अप्रूवल के तहत वो आपको यानी अखबार एजेंसी को भेजते हैं कि भाई हमें लीमिया का अप्रूवल मिल चुका है, अब हमें इंडिया से या कोई भी देश से स्टाफ चाहिए, और फिर आपको वो भेज देते हैं लीमिया और वर्क ऑफर, ठीक है, जॉब ऑफर परमिट भेजते हैं ताकि आप इंडिया से VFS में जाके सबमिट करें और वीजा स्टैंपिंग करा लें। ठीक है, अब यहाँ पर ही फ्रॉड हो सकता है दोस्तों। जो लीमिया आपके पास आया है या जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आया है वो भी फेक हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि जो आपको लीमिया आया है या जो वर्क परमिट आया है वो सही हो। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करना है? इसको चेक करने के लिए एक और एजेंसी है दोस्तों, जो है सर्विस कैनेडा। ठीक है, सर्विस कैनेडा में आप ईमेल कर सकते हैं, तो जो लीमिया आपके पास जो आया है वो सचमुच अप्रूवल हुआ है कि नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, अगर नहीं तो आप जान जाएंगे कि ये फेक है। ठीक है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा और इसी तरह आप फ्रॉड से बच सकते हैं, अन्यथा आपको फ्रॉड होने से कोई नहीं बचा सकता, आपका लाखों रुपया डूबेगा ही डूबेगा दोस्तों। इसलिए मैंने कहा कि वीडियो पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको कनाडा में जो अप्लाई करना है और जब आपको लीमिया या वर्क परमिट आता है तो आप कैसे चेक करें, कैसे वेरीफाई करें कि वो रियल है या फेक है। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कनाडा का जॉब सीकर्स होंगे, कनाडा में जो अप्लाई किए होंगे या करने वाले हों, तो ये वीडियो सचमुच आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित हो सकता है। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए ऑन, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप एक नया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।